بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد محمد رہیے
बस आप इस्तियारतन किनायतन इशारतन, मैं उर्दू थोड़ी और आसान कर रहा हूँ ताकि नौजवानों तक पहुंचे, मैं सतही यानी सामने की बात करके कोशिश करूंगा नौजवानों को बड़े गहरे मफहूम तक पहुंचा ले जाऊं। अगर बतौफीक इलाही बताई दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचाने में कामयाब हो गया तो बस आपकी जिम्मेदारी इतनी सी होगी, आपकी फिक्र नजर तक, तीर अपने हदफ तक। लेकिन सलावात ऐसी पढ़ी थी जैसे अखिलेश्वर की तारीफ में मैंने सुनी है, बुलंद आवाज से सलावात पढ़िया। चेहरे पे तहरीर करते जाइएगा कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। अल्लाह गिरामी हदीस कुदसी की तिलावत मैंने की है और हमारे उलमा तशरीफ फरमा है कि बेहतर जानते हैं, इनके लिए सिर्फ एक दर्स और सबक है जो मैं सुना रहा हूं, अपने नौजवानों के लिए फहम तफहीम की मंजिल है, समझने और समझाने की हाईटेक जमाना है, इसलिए बहुत आराम से बड़ी तेजी से मुझे आगे जाना है, बस मुतवज्जे ऐसे ही रहिएगा। इरशाद हो रहा है परवरदिगार आलम का हदीस कुदसी में, कुन तो कंजन मखफिया, बेहतर देखते रहिएगा, कुन तो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ या छुपाया हुआ, जो तर्जुमा आप अच्छा कर लें वो आप तर्जुमा कर लें, अभी जाने वाले बैठे, कुंतो कंजन नफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फअहबबतो, बस मुझे मोहब्बत हुई, चाहत नहीं हुई। लेकिन माशाल्लाह अहले ज़बान ने फरमाया मैं मोहब्बत का तर्जुमा चाहत से नहीं करूंगा, इसलिए कि हमारी उर्दू ज़बान बड़ी छोटी और तंग ज़बान है, हमारी मजबूरी है कि हम मोहब्बत का तर्जुमा चाहत से कर जाते हैं, लेकिन मोहब्बत का मफ़हूम आप पीछे रह जाता है, मोहब्बत की लफ़्ज़ीयत के मैं तर्जुमा तक पहुंचाता हूँ। इरशाद परवरदिगार हो रहा है कुंतो कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फअहबबतो अनोरा, बस मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, फखलकतुल खल्क, तो मैंने एक खल्क को महले खल्क में दाखिल किया। घबराइएगा नहीं, मैं और बहुत आसान करूंगा, पहले अपनी नफ्सों को पहुंचा रहा हूं ताकि उलमा से दुआएं ले लूं, उसके बाद मैं आपके दिलों तक पहुंचूंगा, लेकिन तर्जुमे को बर्दाश्त कीजिएगा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैं नहीं आ गया क्योंकि ना मैं आगे रहता हूं, अगर मारिफत के मफहूम में बात कर रहा हूं तो इस दौर में बिगड़े हुए हालात में इस सुधरे हुए मौजू पर सुधरे हुए लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल है, पर ये समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है, और कोशिश है कि ये जिहाद जीत के लिए और पता करके मैं यहां से जाऊं, अगर भी आले मोहम्मद के दर से मिल गई तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इरशाद हो रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फखलकतुल खल्क, तो मैं नहीं आ गया क्योंकि मैं जिस्म नहीं रखता, मैं चेहरा नहीं रखता, बड़ी तेजी से मेरे साथ चलिए, मैं हाथ नहीं रखता, मैं बदन नहीं रखता, मैं जिस्म जिस्मानियात से मुबर रहा हूं, फखलकतुल खल्क, तो मैंने एक खल्क को महले खल्क में दाखिल किया, किस लिए, ताकि मैं पहचाना जा सकूं। अब लोगों से जाके पूछिए, हमारे उलमा ने बताया कि यहां पर खल्क से मुराद कोई और जात नहीं है, अल्लाह ने जब अपनी मारिफत कराना चाहिए तो नूरे मोहम्मद को पैदा किया, नूरे अली को पैदा किया, नूरे हसन को खल्क किया, नूरे हुसैन को खल्क किया। अब आप देखते चले जाइए ये 14 की ज़बान मुकद्दसा जो इस दुनिया में आए हैं 14, ये इनको देखते जाओ और उसे पहचानते जाओ, प्रकाश के पहुंचाने में कामयाब हो जाओ, इन्हें देखते जाओ इंशाल्लाह बहुत फायदा, इन्हें देखते जाओ और उन्हें पहचानते जाओ, ये फलसफे की अमीर बहस है जिसने कदम रख रहा, बस साथ हाथ का चाहिए इंशाल्लाह बाद सूरज की तरह रोशन हो जाएगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इन 14 को देखते जाओ और उसे पहचानते जाओ, क्योंकि 14 को उसने अपनी सिफतों का मजहर बनाया। जब इजहारे कमाल करते हैं तो पहचाना हो जाता है, ठोकर अली मारते हैं मुर्दा जिंदा हो जाता है, ठोकर अली ने मारी मुर्दा जिंदा हो गया, मारे पास खुदा की हुई। थोड़ा सा जानिएगा, सर नौ के दहजा पे हुसैन का तिलावत कुरान कर रहा है, बगैर जिस्म के सर ने तिलावत की, मारे पास खुदा की हो गई, अभी नहीं पहुंचे आप,
हमारे नौजवान जो एक तुझ देख रहे हैं मुझे, ये टुकड़ों में मेरी सुनने के आदि हो गए। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आसान रास्तों में ना चलूं, कोशिश ये है कि मुश्किल रास्तों में अपने नौजवानों को लेकर आऊं, क्योंकि आजकल चोरों से खतरा नहीं है, डकैत से नहीं पहुंचा मेरे जुमला। चोर रात की तारीकी में अकीदे पे हमला करते थे, आज अकीदे को लूटने वाले डकैत चौराहे पे टहल रहे हैं। हमारा अकीदा और हम इतनी तनसुली और नीचे जा चुके हैं कि हम गैरों को तो बर्दाश्त करते हैं, अपनों को कबूल नहीं करते। एक जुमला मैंने कल दिल्ली में पढ़ा था, आज यहां पर कह देता हूं, चाहे चांद तक पहुंचे बस मुझे यकीन दिलाई का जुमला पहुंच गया। गैर आ जाता है तो उसे सर पर बिठा लेते हैं। हमारा अली नदीन घर में बैठा रहता है, ना उसे मुसल्ला देते हैं, ना उसे मजलिस बुलाते हैं। कोई गैर आ जाए, अगर एक बार गाली कह दे उसको मिंबर भी दे देते हैं, मुसल्ला भी दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको मारिफत नहीं हुई है। एक जुमला मैंने दिल्ली में पढ़ा था, यहां पर क्या देखता हूं, अभी हमारा सर इतना वसी नहीं हुआ कि हम अपनों को बर्दाश्त करने लगे। आज हमारे यहां टुकड़ों में बात होती है, लेकिन बीबी सैयदह कौन है? बीबी सैयदह आलमियान, शहजादी बतूल बिन्त रसूल, बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपको अद्भुत पाएगा कि ये 14 को देखिए और उसे पहचानिए, यानी अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना, इनको देखते जाओ और उसे पहचानते जाओ, शायद ये बात आपके दिलों में नक्श हो जाए। याद रखिएगा, सिफत और होती है, मौसूफ और होता है। मौलाना ने पहले इंडिकेट कर दिया था, इसीलिए अब मैंने सोचा कि जिहाद करके ही यहां से आगे बढ़ना है। पहली मजलिस से कहीं से खेमा लगा रहा हूं, कल से आमादा होकर आइएगा। नौजवानों से कह रहा हूं, सिफत मौसूफ की मुतकाजी होती है, जब तक मौसूफ ना हो सिफत नहीं पहचानी जाती। मौसूफ और सिफत किसे कहते हैं? खिताबत है मेरी सिफत, बेशक बेशक मैं हूं खतीब, जब तक खतीब नहीं होगा खिताबत नहीं पहचानी जाएगी। काश के बाद अब न वो चेहरा रखता है, मैं काश के पूरे महीने तक पहुंचा दे रहा हूं, न वो हाथ रखता है तो अब उसे कैसे पहचानोगे? इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, कोई इनकार कर सकता है कि अल्लाह नाराज नहीं होता? पूरे मजमे की तवज्जो, हर आदमी ये कहेगा जो कुरान पढ़ता है, अल्लाह नाराज भी होता है, अल्लाह खुश भी होता है। आलिम दीन बैठे पूछिए, नाराज होना कैफियत थोड़ा सा जाती है, थोड़ा सा ऊपर आइए, नाराज होना कैफियत, खुश होना कैफियत, और खुदा में कैफियत नहीं होती, न तूल होता है ना अर्ज होता है, वो नूरे मुतलक है। तो जब कैफियत नहीं होती तो पहचाना कैसे जाए कि वो नाराज कब हुआ? भाई थोड़ा सा जाइए, और वो खुश कब हुआ? तो आपके इसी इलाके में बड़ी सामने की मिसाल, मौलाना समर अब्बास साहब किला बैठे हुए हैं, अच्छी खिताबत करते हैं, लखनऊ वाले इनको नहीं जानते, खाली नाम जानते हैं। और अगर किरदार करबलाई लखनऊ वालों के सामने इनकी पहचान कराने जाए कि ये कितने अच्छे खतीब हैं, और लखनऊ वालों ने इन्हें ना देखा तो वो कैसे पहचानेंगे? क्या जरूरी है कि जो इनकी मारिफत कराने के लिए सफीर भेजा जा रहा है उसके अंदर समर अब्बास की सिफत हो? उसके अंदर समर अब्बास साहब की सिफत हो, जब वो खिताबत करे तो इसे देखकर ये पहचाने जाए कि जो सिफत इनमें है वही सिफत इनमें पाई जाती है। तो अल्लाह नाराज होता है, घबरा तो नहीं रहा, अल्लाह नाराज होता है, नाराज होना है कैफियत, खुश होना है कैफियत, जिसमें कैफियत हो वो खुदा नहीं होता, न वो जिस्म रखता है, न वो हाथ, न वो चेहरा, तो पता कैसे चले कि वो नाराज है या खुश? और आसान करो, हदीस है रसूल करीम की, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास जबान तो है, बोलने की ताकत नहीं है, ये जो चेहरा है ये दिल के हालात बताता है। मान अल्लाह, मान अल्लाह, नहीं मौलाना, काश के मैं कामयाब हो जाऊं पहुंचाने में, वरना मेरा अपना
मैसेज है और आज की मजलिस से बड़ा मैसेज आ रहा है और जो कैमरा इसके जरिए से बड़ा मैसेज आ रहा है। ये बच्चे अपने घर का हकदार होते हैं। बच्चे अपने घर के अंदर का अखबार होते हैं। जब मोहल्ले में जाते हैं तो जो लोग अंदर नहीं जा पाते, अंदर के हालात से वाकिफ नहीं होते, बच्चों को देखकर पता लगा लेते हैं कि अंदर के हालात कैसे हैं, क्योंकि जो अंदर हो रहा होगा वही बच्चे में पाया जाएगा। तो मैं जुमला कह रहा हूं कि बच्चा अगर अंदर के हालात को बाहर लाता है तो अबू तालिब को पुतपरस्त कहने से पहले यह देख लेना क्या अली ने भी किसी बुत के सामने ताकि जब ये बाहर जाए तो अंदर के हालात ना फाश हो जाए। अंदर के राजों को अगर बचाना है तो बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए, ऐसा ना हो कि बाहर आ जाए। और अंदर की बात को बाहर नहीं लाना चाहिए, इसीलिए बच्चे अंदर का अखबार होते हैं। अगर आप सब बेदार है तो पहली मजलिस का पहला अजीम तोहफा आपकी मोहतबर फिक्र के हवाले, चाहे जैसे कबूल कीजिए। इसी तरीके से चेहरा होता है आपके दिल का अखबार, चेहरे का इंडिकेट बताता है कि दिल पे लगी है क्या, दिल में लगी है तो अल्लाह भी नाराज होता है, आप भी नाराज होते हैं। लेकिन जब आपको देखा जाता है तो पता चलता है क्या आप नाराज है, बोले ना बोले, लेकिन वो तो चेहरा नहीं रखता। थोड़ा सा ऊपर आइए, वो तो चेहरा नहीं रखता, तो आप पता कैसे चले कि नाराज है या खुश। बच्चा पैदा हुआ मौलाना की गोद में गया, रोने लगा, मौलाना की गोद में आया हंसने लगा, बोल नहीं सकता जबान है लेकिन चेहरे का उतार चढ़ाव बता रहा है। इनकी गोद में गया हंस रहा है, इसका मतलब इनसे खुश है। इनकी गोद में गया रोने लगा, चेहरे का इंडिकेट, चेहरे के इंडिकेट, चेहरे ने इंडिकेट किया कि इनकी गोद में रोया तो नाराज, इनकी गोद में हंसा। अब कार्यवाह इनकी गोद में हंसा तो इसका मतलब खुश। बच्चे ने बोला नहीं, चेहरे को देख के अंदर के हालात की खबर हो गई, तो उसे तो कोई नहीं देख सकता, तो आप पता कैसे चले कि वो नाराज है या खुश। अल्लाह ने कहा अगर ये देख रहा हो कि मैं कब नाराज हुआ कब खुश हुआ तो कायनात में ढूंढो के बझुलना कहा है। अल्लाह का चेहरा कायनात में कहां है, तो बताइए बड़े बड़े मुफ्तियों को बुलाइए और पूछिए कि बदुल्ला टाइटल किसका है। काश के बाद पहुंचे बदुल्ला लकब किसका है। इसका मतलब यह है कि आदमी को अपनी सिफतों का मुजहिर बनाया, मजहर नहीं था मैंने, मजहर आदमी जानने वाले बैठे हुए, यह है मुजहिर सिफात इलाहिया, जो इनसे जाहिर हो वो मजहर कहलाता है। यानी ये कमाल दिखाते हैं तो वो पहचाना जाता है। भाई आपने यही तो सुना कि ये सिफत है खिताबत, तो अल्लाह क्या है कादिर, अल्लाह क्या है खालिक। लेकिन इतने बड़े मन में से सवाल कर सकता हूं कि गैरों की तौहीद ले रखी है या आली वाली, क्या कहना है, थोड़ा सा जागिए। जब तक तौहीद नहीं समझ में आएगी ना मैं अख्तियार सैयदा बता सकता हूं और ना ही अख्तियार अहले बैत बता सकता हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि तौहीद कौन सी है आपके पास, वो वाली है तो गैरों ने दी, शब्बो वाली है तो अली ने सिखाई। एक जुमला कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो हमारे नौजवान
जनाबे मरियम की सुन्नत लेके बैठे रहते हैं, खामोशी का रोजा रखे हैं, अल्लाह उनके गले में मीसा में तमार की सीरत का आया डालते हैं ताकि दार में भी अली अली कहने की आदत हो जाए। याद रखिएगा हदीसों में वारिद हुआ है कि अकलमंद वो नहीं है जो चौराहे पर बोले, अकलमंद वो है जो अली की फजीलत पर बोले। लोगों पर अगर गुरूर है, ये जो बैठे हुए हैं हमारे बरादरान बुजुर्ग बैठे हुए हैं हमारे, इनसे पूछिए कि क्या सब कुछ आपने पढ़ लिया। याद रखना नौजवानों, जिस दिन ये तस्वुर आ गया हमें सब कुछ आ गया, तुम कुछ नहीं रहोगे। जिस दिन जब तस्वुर आ जाए ना कि हमारे पास सब कुछ है, उस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही सोचना कि अभी बहुत कुछ है ताकि मारेफत के दरवाजे खुलते रहे और तुम बड़ी तेजी से आगे बढ़ते रहो। तो एक सवाल करने का हक है अंकलेश्वर के मोहतरम साहिबान से कि ये बताइए हैदर साहब, समद साहब, हमारे भाई बैठे हुए हैं, कि कौन सी तौहीद है नौजवानों के पास, गैरों वाली है या आली वाली है? अरे एक जुमला कह दो ताकि ये सन्नाटा तूफान में तब्दील हो जाए, आकर पहुंचा दे गया। अरे कम से कम आली वालों को कोई तौहीद आगे ना सिखाए, इसलिए कि हमने तौहीद उस अली से सीखी है जिस पे खुदा होने का धोखा था। आज अपना वादे हो जाता अल्लाह ताला के मोहम्मद आले मोहम्मद का बाबा। और इसे समाज कीजिएगा, हमारे बरादरान हैं, इनसे मैं दुआओं के लिए पहली मजलिस में कुछ गिरे हैं जो खोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है कामयाब हो जाऊं और ये भी हो सकता है कि नाकाम हो जाऊं। वो वाली तौहीद ना दो जो गैरों से आई, अगर वो वाली लोगे तो कभी विलायत नहीं समझ में आ सकती। अगर अख्तियारे अहले बैत और अख्तियारे सैयदा को समझना है, पहले अपना अकीदा तौहीद सही करो। तुम्हारा अकीदा तौहीद क्या है? हमारे नौजवान बैठे डरिए कभी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मजमे में पूछ के आपको जो है जिल्लत का चेहरा दिखाऊं, नहीं, जब मैं आया हूं तो मैं खुद बताऊंगा। मैं इशारा कर रहा हूं, 2 ग्राम की जबान नहीं, 2 किलो का सर चाहिए इसमें। सिर्फ सर हिला दीजिए के बाद पहुंच रही है आपकी फिक्र नजब तक, तीन अपने हदफ तक। मुतदय्यन अफराद, साहिबान लियाकत व इस्तेदाद, शहजवान अस्पेयन, इनके मैदान में घोड़े दौड़ाने वाले बाबे शहरे इन तक पहुंचकर मिनकारे माले फजल विलायत के मोती चुनने वाले उलमा बैठे, हमारे अजादार बैठे, शायद के ये जुमला रहेगा ना चाहे। आप लहरों वाली इतना बड़ा मजमा है, नौजवानों से सवाल कर सकता हूँ, इस कैमरे के जरिए से पहुंचा देना। आप ये बताइए अल्लाह खालिक है? पूरा मजमा बोले है। अच्छा, अल्लाह राज़िक है? है। अल्लाह आलिम है? है। अल्लाह सखी है? है। सब है ना? तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो हल करने की वजह से खालिक है? आपका सन्नाटा किसी अच्छे तूफान की आहट है, बस ऐसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस सुनते रहिए। और इल्मे साइंस भी ये कहता है जब सन्नाटा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लेना कोई तूफान आने वाला। तो अब ये समझ रहा हूं कि इस आहट से किसी तूफान की आहट है। और अगर बात पहुंच गई, अभी तो क्या वो हल करे, इसको उड़ाइएगा नहीं। ये मेरी जिंदगी के बहुत अहम अवकात में से है जो अपने नौजवानों तक पहुंचा रहा हूं कि क्या वो हल करने की वजह से खालिक है। जैसे मैं खिताबत करने की वजह से खतीब हूं, मौलाना इल्म हासिल करने की वजह से आलिम है, नहीं पहुंचे आप इंजीनियरिंग सीखने की वजह से इंजीनियर है, आप मैथ सीखने की वजह से मैथ के टीचर और प्रोफेसर है, तो क्या अल्लाह भी ऐसा ही खालिक है? हल करने की वजह से किरदास के बलाई पढ़ जाओ, पढ़े लिखी समाते हैं शायद जुमला रायगा नगर, वरना मेरी अपनी किस्मत जो ना पहुंचा पाया। चाहिए खुद वह मुफसर का मुताला कीजिए, खुद वह तौहीद में खुद मेरे मौला का फितरा है कि जिसने तौहीद को साबित किया, मौला ने फरमाया उसका कमाल खलाकियत ये नहीं कि वो खालिक है, कमाल ये है खालिक तो है लेकिन मखलूक नहीं है। आज की मजलिस तौहीद और मारिफत सैयदा पे हो जाएगी, और इसको जरा सा महसूस कीजिएगा, खल करने की वजह से खालिक नहीं है। मौलाना मैं दुआ चाहता हूं, मौलाना ने खुदवाए तौहीद में फरमाया बच्चों मुताला करो, शौराहों पर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, इसलिए कि आने वाला दौर बड़ा सख्त दौर है।
अगर किफायत अहले बैत में नहीं बोल सकते तो फिर ज़बान ना खोलो। बेशक बेशक। और अगर ताकत रखते हो तो जाओ स्टडी करो, किताबें पढ़ो। खुद शेख सुलूक अलैहि रहमत का हवाला देख के ये बात कह रहा हूं कि खुतबाए तौहीद में मेरे मौला ने फरमाया कि जिसने तौहीद को साबित किया कि उसका कमाले खलाकियत ये नहीं कि वो खालिक है। बेशक बेशक। लुत्फ ले लीजिए आप, कमाल ये है खालिक तो है मखलूक नहीं है। आगे बढ़ के पता क्या फरमाया, रब तो है मरबूब नहीं है। कमाले मिल्कियत ये नहीं कि वो मालिक है, कमाले मिल्कियत ये है कि मालिक तो है मखलूक नहीं है। जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए आसान कर दूं। मौला ने फरमाया कमाले रज़ाकियत ये नहीं है कि वो तुम्हें दे रहा है, कमाल ये है दे तो रहा है किसी से लेकर नहीं दे रहा। موضوع پر ہوں تو گروہ میں
बात नहीं करता, मौसम में बात कर रहा हूं। कौन सी तौहीद है? तकवा, जो अली ने सिखाई। इमाम ने क्या फरमाया? उसका कमाले रसाकियत शे नहीं कि वो तुम्हें दे रहा है, कमाले रसाकियत ये है तुम्हें दे को रहा है। अरे मैं खड़ा दुख लेता हूं छोटे का बार बार, लेकिन किसी से लेकर नहीं दे रहा है। काश का चिंता कर बनाई ये जुमला पहुंचा दे जाओ और कामयाब हो जाए। सही अकीदा तौहीद अगर हमारी कौम के एक एक बच्चे को पिला दिया जाए तो अली के इब्तदाई फजाइल खुलूना नजर आए। नहीं पहुंचा जुमला अब हमें चला गया। आपके सरों छतों से नहीं रवाना करना, आपके दिलों में नक्श करना। अगर पहुंच जाए तो फिर और आसान कर रहा। अगर यही अकीदा तौहीद लोगों को घुटी में पिला दिया जाए तो अली का भी रिस्क देना समझ में आ जाए। अभी आप मुझे देख रहे हैं, अली भी रिस्क देते हैं। कुछ लोगों को एतराज है, आपने ये कैसे कह दिया कि अली रिस्क देते हैं, रिस्क तो अल्लाह देता है। नहीं, अपना अकीदा तौहीद सही कीजिए। जब वो अकीदा तौहीद दे देंगे जो अली ने दिया तो अली का रिस्क देना समझ में आ जाएगा। मजमा पहुंच जाए तो मैं यकीन दिला दे वरना मेरा अपना मुकद्दर। अली भी राशिद, अल्लाह भी राशिद, लेकिन दोनों में फर्क है। अल्लाह ऐसा राशिद जो किसी से लेकर नहीं देता, बुजुर्गों से मैं नहीं कहता क्योंकि मैं समझता हूं अखलाकी शरीयत में ये तरके औला है। क्या मैं बुजुर्गों से कह जाऊं? नहीं, नौजवानों से दूर से कह रहा हूं। इनसे अगर पूछ लीजिए कि अल्लाह ने अक्ल कहां रखी है, फौरन के या मालूम साहब का एक मिसरा याद आ जाएगा, इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में है। लेकिन सुनिए साहब, जब चीज पता ही नहीं कि रखी कहां है तो इस्तेमाल कैसे हो? भाई पहले तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने अकल रखी कहां है। अल्लाह ने मॉनिटर को रखा है दिमाग में, इसको दिमाग कहते हैं, अकल नहीं कहते। ये पूरी बहस है। और एक जगह नहीं, कुरान ने कम से कम 20 आयतों में इशारा किया है कि अकल सर में नहीं है। बताया अकल कहां है? अकल दिल के इब्तदाई हिस्से में रखी है। नहीं पहुंचे आप, इशारा कर रहा हूं। कुरान की आयत पढ़ने वाले बैठे हैं, एक ही आयत का सहारा लूंगा, तर्जुमा आप तक पहुंचा रहा हूं। कुरान कह रहा बाकायदा इशारा है कि ये गौर नहीं करते, ये तदब्बुर नहीं करते, ये फिक्र नहीं करते, क्योंकि इनके दिलों पर ताले हैं। कुरान इसी के आ गया, तोता बनाने के लिए नहीं आया, ताकि रख रख के हाफिज तोता बनाते रहिए और एक आयत और एक नुक्ते का मफहूम ना समझ में आए। इसीलिए कहा गया कह कह के पढ़ो, तदब्बुर करो, ताअक्कुल करो, तफक्कुर करो। तुम देखो तो कि कुरान क्या कह रहा, कुरान की आयत कह रही है, ये गौर नहीं करते, ताअक्कुल नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, क्योंकि इनके दिलों में ताले हैं। एक सवाल है क्या, जब सोचने का काम अकल का है तो ताला दिल पे क्यों है? जब सोचने का काम शायद के विलायतियों के लिए ये तवल्लुक बहुत अहम हो जो रवाना कर रहा हूं, कि सोचने का काम जब अकल का है तो दिल में ताला क्यों है? आयत इस्तियाराती निजाम की के मजमूए का नाम है कुरान। ये बोलता नहीं, ये इशारे करता है। अगर इशारा समझ गए तो सिराते मुस्तकीम मिल गया, और अगर नहीं समझ पाए तो मत जाओगे और ढूंढते रहोगे, क्योंकि कुरान खामोश है, बोलता नहीं, इशारे करता है। इशारा किया कि इनके ये फिक्र नहीं करते, ताकुल नहीं करते, इनके दिलों के ताले हैं। इसका मतलब इशारा कर रहा है कि अकल दिल में रखी गई। आप भी ना बोले तो मैं कहां जाऊं? अरे सोचने की बात है, अल्लाह अकल को वहीं तो रखेगा जहां पे अहले बैत की मोहब्बत हो। तौहीद को पहचानने के लिए किसी सिफत के मुजीर का होना जरूरी है।
अली को देखा तो उसे पहचाना। हैदर साहब, मूसा ने जलवा मांगा था, लंतरानी सुन के बेहोश हो गए। मूसा ने जलवा मांगा था, लंतरानी सुन के बेहोश हो गए। ईसा ने दीदार मांगा था, चौथे आसमान पे रोक दिए गए। जिसने जो कुछ मांगा उससे उसने परवरदिगार आलम ने कहा अभी नहीं, लन हमेशा के लिए आता है। अरबी कायदा कानून है कि जहां पे हमेशा का इंकार हो, लंतरानिया मूसा अभी नहीं, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते, तो जब देख ही नहीं सकते तो फिर उसे पहचानोगे कैसे? तो फिर तुम मजबूर हो, या तो ये मान लो कि नाउज़ुबिल्ला अल्लाह जिस्म रखता है, या तो फिर ये मान लो कि अल्लाह ने किसी को भेजा है अपनी सिफतों का मजार बनाकर। एक जुमला कहता हूं, मरहूम डॉक्टर कल्ले सादिर साहब का जुमला है, पढ़े लिखों के दरमियान रवाना करता हूं, मेरी नजर में मेरी जिंदगी का बड़ा कीमती तोहफा उन्होंने दिया, आप तक पहुंचा रहा। क्या खूबसूरत जुमला, डॉक्टर कल्ले सादिर साहब का चैलेंज अभी भी हवा में है, मुअल्लक है, किसी में हिम्मत नहीं जो हाथ बढ़ा के छू ले। मरहूम ने फरमाया कि जो लोग अहले बैत को नहीं मानते, मेरा चैलेंज है वो अहले बैत को माइनस करके बस अल्लाह हू अकबर की डेफिनेशन करके बता दे। साहब का जमाना था, साथ सुनिएगा,
टारगेट जर्मनी साहब का जमाना था वहां खासतौर पर, तो उन्होंने कहा कि तीन लोगों को मजलिस पढ़नी थी सरजमीन मुबारकपुर आजमगढ़ में। पूरे मैं कहता था जबान किसे कहते हैं, एक जुमले पे मजलिस खत्म हो जाती थी, सुनिए कैसे होती थी, वो पढ़ के देखता हूँ चाहे कैसे कबूल फरमाइए। आधा साल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तीन लोग हैं, खतीबुल ईमान मैं और खतीब आजम गुलाम अस्करी साहब मरहूम। रिवायत सुनिए रावी मोतबर है, उन्होंने कहा कि तीनों को मजलिस पढ़नी थी, पहली मैंने पढ़ी, देखिए लहजा देखिए, पहली मैंने पढ़ी, मैंने ढाई घंटे खैबर पढ़े, कितने दो घंटे तीस मिनट, ढाई घंटे मैंने खैबर, और वो बता रहे थे 40 मिनट तक मैं सिर्फ ये पढ़ता रहा दरवाजा बंद कैसे होता था और खुलता कैसे था। दरवाजा खुलता कैसे और बंद कैसे होता है 40 की रियायत से। देखता हूं आप यही हैं या रूह कहीं और है, जब तक रूह खदीर ना पहुंचे तब तक सुनने में लुत्फ नहीं आता, जिसको यही रखिए रूह को मदीन पहुंचा के जुमला रवाना कराओ। खदीब अकबर फरमाते हैं जैसे ही खैबर पढ़ के मैं उतरा, सुनिए कैसे खदीब हुआ करते, एक जुमले में पहले वाले को बिल्कुल वॉश कर देते थे, जरूरत नहीं पड़ती थी कुछ कहने, एक ही जुमले में। अब आया खदीबुल ईमान का वक्त, ताहिर जर्मनी साहब, जैसे ही खदीब अकबर पर जाके ताहिर साहब मिंबर पे बैठे, बैठने के बाद उन्होंने खुतबा खत्म किया, खुतबा खत्म करने के बाद कहा एक ही जुमला कि अतहर मियां ने तो खैबर उखाड़ ही दिया है, अब मैं सोच रहा हूं खंदक खोद दूं। जिसका जुमला है नाम लेके आप तक पहुंचा रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं खदीब अकबर आई है। उन्होंने कहा खैबर तो ताहिर साहब ने कहा कि खदीब अकबर तो खैबर उठा चुके, मैं सोच रहा हूं अब खंदक खोल दो। उन्होंने पढ़ी 3.5 घंटे, सुनिए साहब बता रही 3 से 3.5 घंटे पढ़ी, खंदक तो उठ चुके, वहां वालों ने सोचा अब तो हो गई मजलिस। अब खदीब आजम तो खदीब आजम, अकबर अकबर, आजम आजम, अब वो रात की मजलिस पढ़नी थी खदीब आजम। सुनिए सवाल, जब जब मजलिस तमाम होती है, अब गुलाम अस्करी साहब आए और उन्होंने मिंबर पे बैठने से पहले लोगों से पूछा क्या क्या पढ़ा गया, कब अतहर साहब ने खैबर पढ़ी, ताहिर जर्मनी साहब ने खंदक पढ़ी, अच्छा मिंबर पे बैठे खुतबा खत्म किया, मजमे को देखा, देखने के बाद कहा जब खैबर अतहर मियां पढ़ चुके और ताहिर साहब खंदक पढ़ चुके, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इब्ने अली के फजाइल पढ़ूं। अच्छा इब्ने अली क्या मतलब, अली के बेटे के फजाइल, तो आपके जहन में कौन सी जंग आई, देखिए उन्होंने मिर्जा अतहर साहब ने यही कहा कि नीचे से आवाज आई सिफीन, गुलाम अस्करी साहब ने कहा सिफीन नहीं, आज मैं हुसैन की जंग पढ़ूंगा। समान किसे कहते हैं, समान में बात कर रहा हूं, एक जुमले में मजलिस हो जाती थी, पढ़ रहे थे छुटा सुन लीजिए जुमला आगे पहुंच जाए, आज की मजलिस का ये भी तबरुक अजीम है, पढ़ रहे थे पढ़ते 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 जब भाई 3 घंटे गुजर गए और मजमा बस मेमना से मैसरा, मैसरा से मेमना, कलमे लश्कर पे, अब जैसे ही मजमे का आलम देखा तो अस्करी साहब ने 2.5 से 3 घंटे के बाद एक जुमला पढ़ा मजलिस खत्म, और वो जुमला ये था कि कहां तक हुसैन की मैं फजीलत, कायनात भी खड़ी हो जाए तो कम है, कहां तक मैं हुसैन की फजीलत बयान करूं, पर इतना समझ लीजिए शुजाअत की चक्की चल रही थी और जुल्म के दाने पिस रहे थे।
आपकी बाकीरा फिक्र पर किसी नापाक आवाज का साया ना पड़ने पाए। आज जब तू रही मानी कल यह जवान जनाब अली अकबर के सत्ते में हमेशा जवान रहे, बस ऐसे ही दिफाए अहले बैत में बोलते रहिए। जब जबान होती है तो एक जुमले में किताब समेट दी जाती है, और जब जबान नहीं आती ना तो एक ही जुमले को फैलाते रहिए। क्या कहने हैं भाई? याद रखिएगा, जो 45 मिनट में नहीं समझा सकता वो 2 घंटे में नहीं समझा सकता, और जिसने 40 और 45 मिनट में समझा दिया फिर वो 2 घंटे भी समझाता रहे तो जहनों पर बार नहीं होती बात। लेकिन तो 40 मिनट में ही ना समझा पाए वो 2 घंटे में भी नहीं समझा। इसीलिए कह रहा हूं कि अहले ज़बान हो तो फिर ज़बान सीखो, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान में, गुजरात में भी ज्यादातर मजलिस है उर्दू की ज़बान में है, उर्दू में एक जुमले में पूरी तारीख समेट दी जाती है। और जो मैंने आपके सामने तौहीन पढ़ी है वो यूं ही नहीं, यह खैमा ताना ताकि आपकी फिक्र पे आज ताला लगा के कल विलायत अली की मिफ्ता और कुंजी से ताला खोला जाए, ताकि जब 32 दागों के पहले से ज़बान आजाद हो तो फिर अली अली की सदाएं गई। कोई नहीं समझता, और इशारे के इतने समझती है कि इशारों में बहुत कुछ समझ लेती है। तो हम मिंबर से एक इशारा कर रहा हूं, ये जो ज़बान है ना, ये हजरत इशारा अलैहि रहमान, हां, जिनको 32 पर्दों में रखा गया, इशारा कर रहा हूं, सब कुछ पढ़ा नहीं जाता। इस पूरी कायनात की मलिका समझिए इसको, ये है 32 पर्दे में, ये मलिका है, ये 32 पर्दे में है, मलिका है, 32 पर्दे में, फलसफे में, फलसफे में, फिलोसफी में, जितने भी अरस्तु, अफलातून, सुकरात, बुकरात, खलील जिब्रान, जितने भी फिलोसफर्स हैं सबको पढ़ जाइए, सब ने यही कहा, पूरी बॉडी को फलसफे में कायनात देते हैं, कायनात के सुल्तान का नाम है नफ्स, और ये 32 पर्दे में है मलिका। ये जब इजाजत लेके आती है तो हंगामा नहीं होता, जब बगैर इजाजत लेके आता है सलावत करिए मोहम्मद अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले सोचो फिर बोलो। तीन कैटेगरी के लोग हैं जो मुझसे मिल चुके हैं, एक वो जो बोलने से पहले सोचते हैं, क्या कहने हैं, एक वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, ये दोनों खतरनाक नहीं, खतरनाक तीसरा है जो ना बोलने से पहले सोचता है ना बोलने के बाद। शिकाय कमान में तिरदास ने कभी तीर ही नहीं छोड़ा जब तक के निशाना ना सामने हुआ, हवा में तीर चलाने का आदी नहीं हूं, तो जुमला कहा है माना ऐसा है। तीन कैटेगरी के लोग हैं, एक वो जो बोलने से पहले सोचते हैं, एक वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, और एक वो है तीसरा जो बहुत खतरनाक है, ना बोलने से पहले सोचता है ना बोलने के बाद। समझे आप? जो बोलने से पहले सोचे वो है आलिम, जो बोलने के बाद सोच रहे समझ लीजिए वो था जाहिल, सोचकर उस शय का इल्म ले लिया उसने जो नहीं जानता था। लेकिन जो तीसरा है ये ना आलिम है ना जाहिल है बल्कि है अबू जहल। वाजे हो जाए तो क्या, अबू जहल किसे कहते हैं, जो देखे भी सुने भी और इनकार कर दे, बोलने से पहले ना सोचे ना बोलने के बाद अपनी बात पे अड़ा रहे, इसे कहते हैं अबू जहल। इसीलिए कहता हूं अपने माशरे से जहालत को खत्म करो, कोशिश करो करो कि किसी घर में अबू जहल ना पैदा हो। नहीं पहुंचे अबू जहल जिसे कहते हैं, जो देखे सुने और इनकार कर जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के किरदास करबलाई से पूछते हैं, मौलाना वो एक साहब थे उन्होंने फला रिवायत पढ़ दी, ना हमने कहीं सुनी ना हमने कहीं पढ़ी, तो सुनिए पढ़ने वाला ना सुनने का ठेकेदार है ना आपके पढ़ने का ठेकेदार है। जब वो पढ़ रहा है तो अगर आपको नहीं समझ में आई तो पढ़ने वाले से पूछिए,
जब चला जाए तो जनाबे नूह और लूत की बीवियों वाली सीरत ना हो और तुम्हें मुकद्दस तक की जिम्मेदारी के जितना पढ़ना उतने का जिम्मेदार
जो कुछ अलग से समझ जाइए उसकी जिम्मेदारी नहीं, जो समझ रहा हो उसको वाजे कर रहा हूं कि इनकी जात अगर चेहरा फेर ले तो वो नाराज, और अगर ये सलाम का जवाब दे दे तो ये राजी, तो वो राजी। इसीलिए बहुत पहले मैंने कहा था शेर नहीं बोलता, लेकिन चूंकि हुस्न है तो दिल चाह रहा है कि नुक्ता खिलकत यही है और हिजाबुल्लाह भी। बीबी सैयदा का लकब है, सबसे बड़ा लकब है आयतुल्लाहिल अज़मा, और ये अलकाब है बीबी जरा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी आयतुल्लाह, उसी था एक लकब है हिजाबुल्लाह। इंशाल्लाह कल इसकी वजाहत करूंगा। हिजाबुल्लाह अल्लाह का, इसका इसकी डेफिनेशन हम और आप नहीं कर सकते अपनी मखलूत फिक्रों से बह जाएंगे। लकब क्या है? हिजाबुल्लाह, अल्लाह का हिजाब। ये किसका लकब है? बीबी ज़हरा का। नुक्ता खिलकत यही है, डराइएगा नहीं, और हिजाबुल्लाह भी। इसका कुनबा दहर में फैयाज था, फैयाज है, मुज़हिरे औसाफे रब है। फातिमा ज़हरा की जात घर ये चेहरा फेर ले समझो खुदा नाराज है। जब कायनात नहीं थी तो ये थे, और जब कायनात नहीं रहेगी क्या कहने हैं? बेशक बेशक। यहाँ बिजनेस से आए ना हम लोग, ऑफिस से, किसमें ताकत थी जो बुला लेता? क्या कहना है? है किसी अंजुमन में या जमात में या आलिम में या इस तालिबे इल्म में कि आपको घर से बुला ले? अरे जरा अपनी मारिफत कीजिए, आप पर मासूम का फरमान है। जब कुछ नहीं था, कायनात नहीं बनी थी, सब्हना हमने तस्बीह की। आपका सन्नाटा डरा देता हूं, मौला का फरमान है। अपनी मारिफत कीजिए, कोई ना कोई दूसरे के लिए आइडियल होता है। आप पता है किसके आइडियल है? खुद अपनी मारिफत कीजिए। मौलाना मेरे लिए आइडियल, के लिए सुनिए साहब, मौला का फरमान है, जब कुछ नहीं था सब्बहना हमने तस्बीह की। वह सब्बह अरबा खुशी अपनी मारिफत। नौजवानों से कह रहा हूं, यह कोई लफ्जों का जाल और खिताबत की चाल नहीं है, यह मबनी पर हकीकत बात कह रहा हूं, यह कयासी नहीं है, यह मासूम का फरमान। मासूम ने फरमाया जब कुछ नहीं था सब्बहना हमने तस्बीह की उसकी। वह सब्बह अरबा खुशियतना, जब हमने तस्बीह की तो हमें देखकर हमारे शियों की रूहों ने तस्बीह करना शुरू की। उनको देखा तो आपने तस्बीह की। आगे का फिक्र सुनिए, फिर घर जाके इत्मीनान की चादर ओढ़ के लेट गए कि विलायत का तोहफा अहले बैत ने क्या दिया, अल्लाह ने कितना हसीन आपको बनाया। आपके लिए अहले बैत आई है, आप किसके लिए हैं पता है? मासूम ने फरमाया सब्बहना हमने तस्बीह की। वह सब्बहा अरबा खुशिया देना, जब हमने तस्बीह की तो हमारी तस्बीह को देखकर हमारे शियों ने तस्बीह की। आगे बढ़कर फरमाया वह सब बहादिल मलाइका, जब हमारे
एक चीज दिखा दूं आपको इसी घड़ी में, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। बीके 11 से मानता हूं 9:51 एक अल्लाह 5 का आदत पंचतन और 9 का आदत बीबी सारा। जब यहां तक बात आ गई है तो यहीं पे फुल स्टॉप और एंडर ब्रैकेट करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। इंशाल्लाह कल बात आगे बढ़ेगी, बात तो इसी में रुकी हुई है। और अभी एक ऐसा तोहफा था जो आज की अमानत थी, जो आपके हवाले करनी थी, मैं इंशाल्लाह यहीं पे रोक रहा हूं। इसलिए कि माशाल्लाह आप भी थके हुए होते हैं लेकिन चेहरे पे थकान नहीं, मौला आपको आबाद रखे। लेकिन आप इस जुमले से यकीन दिलाइए कि एक जुमला जो तबीयत मचल रही है वो पढ़ने के लिए आमादा नहीं है, वो मैं इस सुनने के बाद आप मुझे बताइए। मैं मौलाना से आलिम दीन से दुआएं चाहते हुए आपकी तरफ देख के इन दोनों के हवालों से, ये आपके हवाले, इससे मोतबर हवाले नहीं, इसीलिए इनका हवाला और जुमला आपके हवाले पूरी, मैं इसी से यकीन दिलाइए, दूसरा पढ़ूं या ना पढ़ूं आप दिखाएंगे, आपका चेहरा वक्त है। आज उस बीबी का जिक्र है, उस बीबी का के जो नुक्ता खिलकत है, मरकज़े मारिफत अहले बैत है। सुनिए सुनिए, अपने बाप की असल है चूल्हा बहुत खेलते था, उम्मा अबिया का तकदमा तो लोग माँ से करते हैं, वालिदा है, हमने असादता के नाले सीधी की है तो दो चार जुमले उनसे लेके आप तक पहुंचा दिए कि उम के माने असल के होते हैं जी, उम के माने असल के क्या होते हैं, उम्मा अबिया का क्या मतलब है, अपने बाप की असल, असल साहब असल, हेलो भाई सुनिए असल, एक जुमला कह जाऊं साहब इशारों में वजाहत न करवाइएगा, पूरा समंदर है एक कुल, एक कतरा निकालो, ये जो कतरा है ना समंदर की असल है। समंदर को लैब टेस्टिंग में नहीं भेजा जाता, समंदर बहता कतरा, और इसे कहते हैं कतरा है असल, टेस्टिंग लैब में समंदर नहीं जाता, अगर पूरे समंदर के पानी की खबर लेनी है तो ये कतरा ही उठाया जाता है, ये कतरा बता देता है कि इसमें है क्या। इसीलिए हर जगह पर अहले बैत के तआरुफ का जरिया सहारा, हर जगह पर बीबी सहारा अहले बैत के तआरुफ का जरिया है। इंशाल्लाह बात आगे बढ़ जाएगी, वो जुमला सुन लीजिए कि जिसके बाद पढ़ना है, आप ही बचा है, जिसके बाद ये जुमला पढ़ना है, आपका चेहरा देख रहा हूं खुदा की कसम, क्या कोई पढ़ेगा उस बीवी के लिए के जो जात से कुदूल है बाग से रसूल है। हाँ, इसीलिए मैं अमामा इसके बाद ही उतारूंगा,
ताकि ये जुमला पहुंचा लेगा कि जो जात से उदूल है बात से रसूल है, उस बीवी के लिए कोई क्या बोलेगा। मजलिस तमाम हो गई, बस जहां तक लाना था वहीं तक ले आए। उस बीवी के लिए कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि जो जात से उदूल है बात से रसूल है, जनाबे सलमाने मोहम्मदी। अब जब तक आवाज़ें ना हो दिल नहीं करता कि यहाँ झूठ बयान हो, क्योंकि हालात बड़े खराब। आजकल लोग घर से निकलते हैं तो कैंची लेकर निकलते हैं, हाँ, कि क्या काटना है और क्या छांटना है, हाँ, और बाकायदा किताब में सुनिए जनाब। अरे क्या समझेंगे लोग इन ज़बाते मुकद्दसा को जब आज तक दुनिया सलमान को ना समझ पाए। हाँ तो सुनो, ये ना कह दिया करो कि ये इस दौर के सलमान है, इस दौर के नहीं, सलमान की नालायक की धूल मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। कोई सलमान कौन है साहब? सलमान के लिए पढ़िए किताबें, सही किताबें हैं, इस तालिबे इल्म के पास हैं, उलमा के पास बहुत हैं। जनाबे सलमाने मोहम्मदी के लिए यहाँ तक मिलता है कि जनाबे सलमाने मोहम्मदी के अंदर वो ताकत है, मिन्ना अहले बैत दसवें दर्जे पर ईमान के, अगर इसमें आजम के जरिए मुर्दे को हुक्म देते तो जिंदा हो जाए। यहाँ तक मौजूद है कि विलायत अली की ताकत को सलमान ने बताया और कहा विलायत अली की ताकत यह है कि उड़ते हुए परिंदों को जमीन पे बुला। तो किसी ने पूछ लिया था सलमान से, दावा है या करके भी दिखाओ। तो जनाबे सलमान के लिए खुद इन नाथों ने पढ़ाया, हवाले मौजूद है, खुद जनाबे सलमान ने विलायत अली का वास्ता देकर उड़ते हुए परिंदों को जब हुक्म दिया तो उड़ते हुए परिंदों की क्या मिसाल थी कि जो अबू तुराब का जिक्र सुन के तुराब पे ना उतरते चले आए। बात खत्म कर रहा हूं, जनाबे सलमान मोहम्मदी का जुमला सुनिए। सलमान के लोग समझते हैं कि बहुत मामूली सी बात है, अरे कोई और बात कीजिए, कोई और नहीं, पहले सलमान को समझो। सलमान कौन है? सलमान जो मुर्दा जिंदा कर दे वो ताकत है, अथॉरिटी है, अली ने अदा की है। आप कौन है? रोज कब्रिस्तान जाते क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैकुम आदर को रसो, यही तो कहते हैं। खुदा न खास्ता कि किसी दिन किसी कब्र से जवाब आ गया क्या होगा? अगर दिल के कमजोर हैं तो फिर कल आपको सलाम दिया जाएगा, आपकी तख्ती लगी होगी। आप वो हैं, हम वो हैं जो मुर्दे की आवाज से डर जाए, सलमान वो हैं जो मुर्दा जिंदा करने का आदेश देते हैं। ताकत ये है अली का वो सच्चा और पक्का शिया कि जो दसवें दर्जे पर, बात खत्म कर दूं इसी जुमले के लिए जहां तक आया था, कई उलमा ने पढ़ा लेकिन हवाला रखता हूं इसी के लिए जुमला कह रहा हूं कि जनाबे सलमान मोहम्मदी कह रहे थे दीवाने तो थे पर कह दिया कि सिदरतुल मुंतहा तरे जहरा। क्या है सिदरतुल मुंतहा? एक साहब को बुरी लग गई, उस दौर में तो बहुत थे। रसूल की सीरत पे अमल कीजिए, डरना नहीं, रसूल की सीरत पे अमल कीजिए, फिर देखता हूं आपका अमल। रसूल अल्लाह ने पहलू में सबको बिठाया, मुंह किसी को ना लगा। जिसे ज़बान चुसानी थी उसे अपनी ज़बान के जरिए इल्म मुंतकिल कर दिया, पहलू में सबको बिठाया, मुंह किसी को ना लगाया। एक साहब सलमान ने कहा सिदरतुल मुंतहा तो मेरी नजर में सैयदा कद्दर है। एक साहब को बुरी लग गई, आज के दौर में भी कुछ मस करना है इनको लग जाता है पूरा। आखिरी बात है इल्तिफात करने लगी, तब जैसे ही सुना तो कहा या रसूल अल्लाह आज तो सिदरतुल मुंतहा ही बदल दी। कहा किसने? कहा सलमान ने। कहा बुलाओ सलमान को। पहले जवाब नहीं देते थे, बुलाते थे, बुलाया सामने खड़े हुए तमाम, पूरे मजमे को देख रहा हूं मजलिस यहीं पे तमाम, ऐसा लगे कि मेराज पे पहुंच गए। आए जैसे ही आए तो जनाबे सलमान से पूछा, सलमान ये क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो सिदरतुल मुंतहा सैयदा कदर है और ये कह रहा है सिदरतुल मुंतहा तो वो है जिसके आगे जिब्राइल ना जाए, जिब्राइल ठहर जाए रुक जाए। सुनो सुनो
वरना मेरा अपना मुकदर मेरे साथ की यहीं पे खत्म हो रही है। जैसे ही कहा कि समान सिदरा तो वो है कि जहाँ पे शिवराई रुक जाए, सरकार ने कहा हाँ हाँ जानबी अल्लाह वो है सिदरा, हमने कब इनकार किया? क्या कहना है? इनकी नजर में वो सिदरा है। पहुंचे तो बोलिए मेरी नजर में दरे सैयदा सिदरतुल मुंतहा है। क्या वो कैसे सरकार का इनकी नजर में सिदरतुल मुंतहा को क्या जहां पे जिब्राइल ठहर जाए और मेरी नजर में सिदरतुल मुंतहा को जहां पे रसूल ठहर जाए। और हुसैन के दुखियारी मां की शहादत के बदले सो तो किसे
जाते हैं बाबा। आइए मैं मौका के हद में आप सबकी तरफ से शहजादी का पुरसा पेश करता हूँ। शहजादी का पुरसा मौला आपकी जनता का पुरसा हम गुलामों की तरफ से कबूल फरमाइए। और सुनिए शहजादी की मुसीबत और शहजादी की मुसीबत के लिए जुमला कि सिर्फ बीवी नहीं आती है बल्कि रिवायतों में मिलता है कि दो बीवियां और आती हैं और दोनों बीवियां शाम से उठ के आती हैं। एक हुसैन की दुखियारी बहन ज़ैनब है और एक चार साल की बच्ची जनाबे सकीना है। और हमारे फरमाया कि जब ये आती हैं तो रवात हाय मार के रोते हैं ना, तो चार साल की बच्ची आपको रोता हुआ देखती है तो सवाल करती है रब्बी रहमान ये कौन है जो मेरे अकबर का नाम लेकर अपने सीने पे हाथ मार के रोए। ऐसा लग रहा है कोई नकाबी नौजवान मारा गया हो। पर जैसे कि जनाबे सकीना कहती है हमने उलमा से सुना कई बार आ रही है हमारे बुजुर्ग उलमा ने फरमाया कयामत का फिर अब जनाबे ज़ैनब कहती है ऐ मेरी नाजनी ये सब तेरे बाबा के आजादार है। पर जैसे ही बच्ची सुनती है रोटों में कहती है तुम्हें अम्मा अगर इतने आजादार कर बना के मैदान में होते अरे मेरे चचा के बाजू ना बने होते मेरा भैया छह महीने का भैया ना मारा जाता और तुम्हें अम्मा हमें बेपरदा तैयार ब तैयार ना फिराया जाता। और जो को मरा ना खुदा कोई गम ना दे। अजीजों जिस तरीके से सारी ज्यारतें पढ़ते हो ज्यारतें आशूरा पढ़ते हो जाओ आखिरी इमाम की ज्यारतें ना ही आ पढ़ना कयामत के चुने हैं। मौला फरमाते हैं सलाम हो उन सरे दुरीदा पर जिन्हें नैसों में मौला करके लिखाया गया। अजीजों कयामत के चुने हमारा आखिरी इमाम फरमा रहे सलाम हो उन सर खुली दीनियों पर जिन्हें शामों को बाकी बाजार से गुजारा गया। जानते हो आगे बढ़ के इमाम ने क्या फरमाया खुदा की कसम मर भी जाए तो कम है। आखिरी इमाम हमारा मौला कहता है सलाम हो मेरे उन शख्स पर सलाम हो मेरे उन शख्स पर कि जिसके बदन का गोश्त संजीने खा गए। आगे बढ़ के यहाँ पर फरमाया सलाम हो उन नुकसानों पर जो करबला से शाम तक अपना रंग तब्दील करते रहे। हमने किसी आलिम से सुना कि आखिरी इमाम का ये भी फिक्रा मौला फरमाते सलाम हो उन आंखों पर जिन्हें रातों को जगाया गया। एक तालिबे इल्म ने जब ये फिक्रा पढ़ा बस आखिरी फिक्रा फरमा दिया था जितना पुरसा देना चाहते हैं चुने में दीजिए। पर एक तालिबे इल्म ने जैसे ये फिक्रा पढ़ा अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में गया और रोते हुए फरमाता है आगा सारे फिक्रे समझ में आ गए लेकिन आखिर वो कौन सी आंखें जिन्हें हमारा वक्त आखिरी इमाम सलाम करा। और मौला फरमाते सलाम हो उन आंखों पर जिन्हें रातों को जगाया गया। आदि में दीन रोने लगे और रोते हुए फरमाया क्या तुमने मक्तल का मुताया नहीं किया। अरे जब तमाम शोहरा कत्ल हो गए और अहले हरम को असीर बनाया गया और जब आदमी की बेटी के बाजू में रसल बांधी गई तो शिमरे मनहून ने कहा था खबरदार रहना काफिले में अकबर की बातें वाली अब्बास की बहन अली की बेटी ज़ैनब न सोने पाए। जब मदीने आई नाना से शिकायत लगी लेकिन जब हमारी बेटी ने हरी अम्मा के कब्र को देखा तो गिरा दिया का अम्मा तेरी ज़ैनब बनकर आ गई अम्मा तेरे लाल के कातिलों ने इतना जगाया हाथों की बीनाई कब हो गई। अब ज़ैनब को सैयद सज्जाद नजर नहीं आ हम अपने घरों की छतों के साए में रहते हैं
जब हमारा चेहरा वो जन्नत पकी की नजर आता है, हमारी आंखें नम हो जाती है। हमने बेवतन का वतन अपने वतन में किया, अब दिल ये कहता है कि सैने काबा में जाके हुसैन का वतन करें और जन्नत पकी में बैठ के बारिश करबला की जबानी मसाइब करबला सुने। हमारे आखिरी बारिश के सफूर में नाजिल फरमा और अपने हकीकी आवाम अंसार में खुशमार फरमा और तकब्बल मिन्ना मिन्ना का तस्वीर नबी। और खास तौर पे ये दुआ है परवरदिगार आलम बारगाह अहदियत में दस्तक हुआ है, परवरदिगार तुझे भी मारे करबला जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का वास्ता जहाँ जहाँ भी मुस्लिम मोमनान इस तरह अदालत के कुछ पैकाबिल फरमा उसी तौर पर जो मोमिनीन बीमार हैं जिनके लिए दरख्वास्त की गई है, रफील भाई मौजानी, तनवीर भाई, आशिफ भाई, ये तमाम मोमिनीन इस तरह अदालत में हैं, परवरदिगार आलम तुझे हुकूक अहले बैत का वास्ता इनको शफाए काबिल हाजिर इनायत फरमा, हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा।